हेलो डियर, जैसा कि हमें पता है कि हमने थर्ड वीडियो देखा था फॉरकास्टिंग में, और किसी टेक्निकल कारण के वजह से बीच में वीडियो रुक गया था, और फिर ये नया सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब कि 25th नंबर क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। 25th का जो आंसर था, ए आंसर था 170 एंड 120, जो बी आई एस का और एम ए डी का वैल्यू आ रहा था, और उसी क्रम में कंटिन्यू करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, अगर टेक्निकल एरर नहीं आता तो ये 3rd नंबर ही वीडियो का पार्ट होता। चलिए 4th नंबर वीडियो में हम देखेंगे, जो कि 3rd का ही एक पार्ट बोला जाए इसको तो, और लास्ट वीडियो है। तो इसमें देखते हैं कि 26th नंबर क्वेश्चन क्या है फॉरकास्टिंग के अंदर, जो कि हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपको जैसा भी पता है ये 3rd नंबर वीडियो आप देख लें, अगर नहीं पता हो तो 1 2 3 4 नंबर। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है फॉर मूविंग एवरेज फॉरकास्टिंग। तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास, तो इट इज वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल मोमेंट्स इन द डेटा। ये जहाँ तक है सही लग रहा है। द टेक्निक इज सिंपल, ये भी सही है, टेक्निक सिंपल होता है मूविंग एवरेज वाला। अब द मेथड इज अफेक्टेड बाय द पर्सनल प्रेसिडाइज ऑफ पीपल, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27th नंबर क्वेश्चन, रोलिंग होरिजन इन फॉरकास्ट इज यूज फॉर, किसके लिए रोलिंग होरिजन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल सेम लेंथ एल सॉरी अलाउ सेम लेंथ ऑफ फॉरकास्ट होरिजन बाई ईजली एडिंग ए न्यू पीरियड वेन वन पीरियड इज ओवर, ईजली अपडेटिंग ऑफ चेंजिंग एंड मेंटेनिंग सेम लेंथ ऑफ फॉरकास्ट होरिजन बाई एडिंग ए न्यू पीरियड वेन वन पीरियड इज ओवर। तो ये ऑप्शन जो है सही लग रहा है, क्योंकि सेम लेंथ मेंटेन करके रखते हैं हम फॉरकास्टिंग में, जो वेटेड एवरेज या फिर मूविंग एवरेज जो लेते हैं तो उसमें सेम लेंथ मेंटेन करके रखते हैं। मतलब पीरियड अगर 4 पीरियड्स का हम ले रहे हैं डेटा फॉर फॉरकास्टिंग द न्यू पीरियड डेट फॉरकास्टिंग फॉर न्यू पीरियड, तो उस हमेशा 4th पीरियड का ही लेते हैं। मतलब प्रीवियस वाला छोड़ते जाते हैं, नया वाला ऐड करते जाते हैं, तो इक्वल मेंटेन करने के लिए। जो चलिए सी भी देख लेते हैं, इजी अपडेटिंग ऑफ चेंजेस एंड देर इज़ नो एडिंग ऑफ ए न्यू पीरियड, नहीं ये तो गलत है, देर इज़ नो एडिंग, एडिंग होता है। डिफरेंट रीजन्स अदर देन द एबव, ये भी गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 27th नंबर का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन 28th नंबर हमारे पास है, जो कि एसी 2012 का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज द वेट ऑफ डिमांड ऑफ पास्ट पीरियड्स, तो एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज में क्या होता है, वेट क्या होता है, तो वेट डिक्रीज होता है। जैसा कि आपको पता है कि जितना पास्ट पुराना डेटा होता है तो उसका वेट जो होता है डिक्रीज होते जाता है। तो डिक्रीज जो सी ऑप्शन देखिए आपके पास जो है, डिक्रीजेज एज द एज ऑफ डेटा इंक्रीजेज, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 29th नंबर क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों बेस्ट स्टेटमेंट है, और इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर दोनों सही है तो जो स्टेटमेंट टू है स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो देखेंगे पहले स्टेटमेंट है क्या, तो द नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर फॉरकास्टिंग, ये तो सही है। मूविंग एवरेज एंड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूदनिंग मॉडल्स आर यूज फॉर टाइम सीरीज डिमांड फॉरकास्टिंग, बट दे आर सुटेबल फॉर एवरेज डिमांड प्रोसेस, ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इसके लिए बीच में आप एक बार बिकॉज लगा के पढ़ें दोनों के बीच में। तो बिकॉज द नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटर फॉरकास्ट मूविंग एवरेज एंड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल्स आर यूज फॉर द टाइम सीरीज डिमांड फॉरकास्ट बट दे आर सुटेबल फॉर एवरेज, नहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी हो जाएगा 29th का। 30th क्वेश्चन देखते हैं, फॉरकास्ट
टेस्टिंग विच एज्यूम्स ए स्टैटिक एनवायरनमेंट इन द फ्यूचर। तो कौन सा फॉरकास्टिंग है जो कि फ्यूचर में स्टैटिक एनवायरनमेंट एज्यूम करता है? तो इसके लिए जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैसिव फॉरकास्टिंग विच एज्यूम्स ए स्टैटिक एनवायरनमेंट इन द फ्यूचर, पैसिव डिमांड। पैसिव फॉरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग तो ये होता है कि फॉर न्यू प्रोडक्ट या फिर भाई डेल्फी टेक्निक। दूसरा होता है कि जजमेंटल एनालिसिस बाय सर्वे, डायरेक्ट सर्वे, शॉर्ट टर्म फॉर सीजनल फॉरकास्टिंग के लिए होता है। पैसिव जो है स्टैटिक एनवायरनमेंट इन द फ्यूचर जूम किया जाता करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 31st नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एन नंबर ऑफ पीरियड दिया है, मूविंग एवरेज मेथड यूज में हो रहा है। द नंबर ऑफ डिमांड डाटा टू बी स्टोर फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज फॉर ए पीरियड इज डिमांड ऑफ लास्ट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एन पीरियड्स, बिकॉज नंबर ऑफ पीरियड जितना जितना हमें यूज करना रहता है मूविंग एवरेज मेथड में, तो उतना ही हमेशा हम यूज करते हैं, बिकॉज जो प्रीवियस वाला पीरियड होता है उसको डिलीट कर देते हैं और नेक्स्ट वाला पीरियड ऐड करते जाते हैं। डिलीट एंड ऐड का काम होता है। जो नंबर ऑफ पीरियड होता है एन, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, तो सी उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31st का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है बेस्ट सूटेड अंडर द कंडीशन व्हेन, कौन से कंडीशन में बेस्ट सूटेड होता है? 32 का, तो फॉरकास्टिंग होरिजन रिलेटिव टू द रिलेटिवली लार्ज फॉरकास्टिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल आउटसाइड इंफॉर्मेशन इज मोर, ऑल ऑफ द अबव। नहीं, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉरकास्टिंग होरिजन इज रिलेटिवली लार्ज, मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होगा ए नंबर। 33rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग वाला, इसमें क्या क्या दे रखा है, प्रेडिक्टेड डिमांड फॉर दैट ईयर, डिमांड दे रखा है प्रेडिक्टेड मतलब फॉरकास्टेड डिमांड है, एक्चुअल सेल्स वाज फाउंडेड टू बी 1140, इफ द कार कंपनीज फॉरकास्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 1080, द वैल्यू ऑफ, अच्छा अल्फा का वैल्यू निकालना है, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग कॉन्स्टेंट, अल्फा का वैल्यू बताना है क्या होगा। एफ एन दिया हुआ है, फिर एफ एन प्लस वन दिया हुआ है, एफ एन दिया हुआ है प्लस अल्फा निकालना है, और डी एन प्लस वन दिया हुआ है, एफ एन प्लस वन दिया हुआ है, तो देखेंगे इसका कैसे बनेगा। तो एफ एन प्लस वन कितना दिया हुआ है, 1080, एफ एन कितना दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स प्रेडिक्टेड वाला एफ एन हो जाएगा 1040, प्लस अल्फा का वैल्यू निकालना है, और डिमांड आपका दिया हुआ है एक्चुअल डिमांड जो है 1140 माइनस 1040, ये बनाना है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 1080 माइनस 1040, तो 40 बच जाएगा सिर्फ, और जो इसमें से माइनस होगा अल्फा इंचो 1140 1040, तो 100 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 40/100, तो कितना हो जाएगा 0.4, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। 33 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था, अब देखेंगे इस तरीके से हमारा फॉरकास्टिंग का जो क्वेश्चन है सारा ओवर होता है, और एक तरीके से आपको एनालिसिस मिल गया आर के जे नारेश कुर्मी बुक वगैरह का, और जो भी ESE गेट में भी क्वेश्चन आ रखे हैं तो एक एनालिसिस मिल गया, ये आपके PSU एग्ज़ाम्स के लिए AE या फिर किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है और फॉरकास्टिंग टॉपिक दिया हुआ है, या फिर आप उसके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं। हमने कोशिश किया था 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से 4 वीडियो बनाना पड़ा, तो आप इसको देखें और
यूज़ करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के वीडियोस के साथ इसी तरह के। तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।